जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इंटरनेशनल पाम मिनिस्टर में शहजाद ख़ान आपकी खिदमत में। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मैं 92 न्यूज़ जो 92 न्यूज़ में बैठता हूँ और सुबह वो तमाम जो मैचेस होते हैं, जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके हवाले से मैं उस पर पेशेंट गोई कर रहा होता हूँ। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठता हूँ, जिसमें सैयद अजमल साहब होते हैं, सरफराज नवाज साहब होते हैं और मैं होता हूँ। एक अच्छा प्रोग्राम बना होता है, उस पर पेशेंट गोइयाँ दे रहा होता हूँ। अगले घंटे में कौन आउट होगा, अब कौन होगा, अब क्या होगा, वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत आजकल पेशेंट गोइयाँ मैं दे रहा हूँ। और आज भी मैंने 92 न्यूज़ पर सुबह कहा था, फिर आधे घंटे में 2 विकेटें गिरेंगी, वो गिर गई। फिर मैंने ये कहा, वो आप देखिएगा प्रोग्राम, फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान एंड पे जाके बड़ा फाइट करेगा और वैसे ही हुआ। एक बात मैंने और की कि 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर का जो दरमियानी टाइम है, इसमें पाकिस्तान मैच कोई भी नहीं जीतेगा, और आज जीता हुआ मैच हार गया वो चांद ग्रहण की वजह से। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, मैंने बड़ा आपको बताया कि इसके बड़े नेगेटिव असरात खाली एक बंदे पे नहीं, पूरी दुनिया के लोगों पे होंगे। अभी मैं क्या कहते हैं बैठा हूँ ग्राउंड में, आपको नज़र आ रहा है रात है, तो रात के 4 बज चुके हैं और मैं चांद देख रहा हूँ कि चांद जो है वो ग्रहण है। और मैं क्यों देख रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं देखना, चांद देखना अच्छा नहीं होता, सूरज ग्रहण देखना अच्छा नहीं होता, नुकसान। ये वही लोग देखेंगे जो गुरु हैं, जो इस नॉलेज को समझते हैं, साहिब इलम हैं। मैं आज इसलिए देख रहा हूँ कि इसके क्या नुकसान हो सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सूरज ग्रहण हो, जब होगा उससे तो उसके बड़े नुकसान होंगे, जंगें होंगी, जलजले आएंगे। और आपने देखा अफगानिस्तान में जलजला आया और हमास और इसराइल का जंग छिड़ गया। अच्छा, ये सूरज और चांद ग्रहण जब लगते हैं, इस दफ़ा जो लगा इसके असरात 3 महीने तक रहेंगे, अगले 3 महीने अच्छे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से अच्छे नहीं है। इससे सारे जो 7 अरब अवाम है उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। कोई अगर सूरज ग्रहण से बचेगा तो चांद ग्रहण में फंस जाएगा, इस तरह की बात है। तो इसका हल ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मैं कुरान के हवाले से भी देखा कि सूरह कमर जो अल्लाह पाक ने चांद की सूरह बनाई, सूरह शम्स अल्लाह पाक ने सूरज की सूरह बनाई है, तो उसको भी आप लोग पढ़ें, लाजमी पढ़ें, और चांद को ना देखिएगा। मैं तो इसलिए देख रहा हूँ कि ये इसके क्या नेगेटिव असरात हो सकते हैं चांद ग्रहण के। इसमें सुनामी आएंगी, क्लाउड ब्लास्ट करेंगे, इसमें तूफान आएंगे, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे, इस तरह की बातें हैं। अच्छा खैर, अब मैं सियासत की तरफ चलता हूँ। सियासत में जो इमरान खान साहब जेल में हैं, और मैंने कहा था ये अक्टूबर में नहीं आएंगे, बड़े साहिब इलम लोग जो हैं वो कह रहे थे जी आ रहे हैं अक्टूबर में, मैं कहा मेरा चैलेंज वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे। अब दूसरी बात क्या है, तो ये आएंगे कब वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले एक और बात बता दूँ कि इमरान खान साहब पे साइफर वाले मामलात में जो है सज़ा हो जाएगी। अब मैंने कब से, मैं 2-2.5 महीने से कह रहा हूँ, तो अब लोगों ने सवाल शुरू कर दिए, टीवी पर भी आ गया कि साइफर की तो केस की सज़ाए मौत भी होती है और फांसी भी होती है। तो मुझे सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं आपको, मैंने कहा आपके बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे तो मेरी इस वीडियो को देख लें ताकि समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एंड द नॉलेज ऑफ जफर, नॉलेज ऑफ सात, इन सारे से और टैरो कार्ड्स के हवाले से, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ने 10-12 इलम दिए हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि चैलेंज कर रहा हूँ इस नॉलेज पर कि खान साहब को कोई फांसी नहीं होगी, खान साहब को कोई 14 साल की कैद नहीं होगी। तो फिर होगा क्या, उन्हें 5 साल और 7 साल के अंदर कैद बनेगी। अच्छा, अब बात यह है कि खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, भाई नहीं लड़ेंगे, वो -1 में चले गए हैं। और अब वो निकलेंगे कब जनाब, इलेक्शन से 1 महीना पहले या फिर इलेक्शन के बाद 1-2 महीने में, इलेक्शंस के बाद वो निकल आएंगे। अच्छा, अब जब वो निकलेंगे तो फिर जमानत, उसी सूरत में ज़ाहिर जमानतें वगैरह होंगी और अगस्त सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो सारा पिले शिले ये वो वहाँ से वो इस तरह आएंगे। और दूसरी बात, अब खान का अंदर रहना क्या खान के लिए अच्छा है या बुरा है, वो यानी कि जेल में है जो, जिसको मैं अडियाला यूनिवर्सिटी कहता हूँ और उनको जो भी नंबर लगा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो नंबर है वो रोल नंबर है, वो वहाँ पे स्टडी करने गए हैं, पीएचडी करके आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट ही हो जाते हैं, लंबी इनिंग नहीं खेलते। अब आए हैं जी, वर्ल्ड कप है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप का चर्चा चला हुआ, और इधर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो उनके आने की इस तरह के कदम मुबारक है कि पाकिस्तान मैच ही आना शुरू कर, वर्ल्ड कप क्या लाएगा, जो लेके आया था उसको जेल में बंद कर दिया। तो खैर, मैंने एक बात की थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनकी बेलें होती जाएंगी, वो होंगी, तो अब क्या होगा, बेलों के बाद क्या होगा, तो भाई वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा,
एक बात और है, नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान बने तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आ जाएंगे, क्यों? वो 1/12 के खाने के मालिक है, जबकि नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक है। और 1/4 जो है, मैंने कहा था उसका इकतदार कमज़ोर होता है, नवाज शरीफ साहब जब भी आए हुए थे। तो अब उन्होंने प्लान करना है, प्लान बी होगा जो मैं जफर से देख रहा हूँ, प्लान बी ये होगा मुझे लंबा इकतदार चाहिए, तो वो सदर पर जाकर बैठेंगे, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब बैठे, जैसे आरिफ अली साहब बैठे। तो ये एक बचत का रास्ता है, अदरवाइज वो बैट्समैन अच्छे नहीं है, वजारत उजमे में आएंगे वो आपको पता, साल 1.5 साल 2 साल आउट हो जाते हैं, इनको 20-25 स्कोर करेंगे। तो सदर पाकिस्तान के लिए जो उनको एक ख्वाहिश है, मैं वड्डी इनिंग खेलना, तो बैठ जाएंगे। तो लेकिन जब अगर इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी, जनाब नून लीग ने कोई ऐसी बात, शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, ऐसा उलझाव अगर ये पैदा कर लेते हैं इदारों के हवाले से, तो जनाब वहाँ दरवाज़ा खुल जाएगा, इमरान खान साहब बोल लेंगे, गेंद कराएंगे बेहतरीन किस्म की, और नवाज शरीफ साहब आउट। वो तो पहले ही जिम खाना में खेलते थे तो आउट हो जाते थे, और नवाज और शहबाज शरीफ साहब इतनी जल्दी आउट ना हो, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, अच्छी गेंद भी करा लेते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी फील्डिंग भी कर लेते हैं, अच्छा कैच भी पकड़ लेते हैं, तो वो ऑलराउंडर टाइप है। तो इमरान खान साहब फ्रंट फुट पर जाके खेलते हैं और नवाज शरीफ साहब भी फ्रंट फुट पे खेलते हैं। इमरान खान साहब बैटिंग के हवाले से नहीं, इमरान खान बॉलिंग कराते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में हमारे जितने भी थे बॉलर, शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, जब बॉलिंग कराते हैं उसके बाद एग्रेसिव होते हैं। तो इमरान खान एक लीडर है कौम का, मुल्क का, एग्रेसिव है। अभी तो अडियाला वो यूनिवर्सिटी में हैं, वो जब निकलेंगे नेल्सन मंडेला बन के ही निकलेंगे, और वो देख लीजिएगा PhD कराएंगे। नवाज शरीफ साहब बरतानिया से डिग्री लेके आए, और क्रिकेट जो है वो ईजाद किसकी है? बरतानिया की। तो वहाँ से बड़े समझ रहे हैं कि मैं बात कुछ कर लूँगा, तो भाई वर्ल्ड कप इन ले ही नहीं सकते पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब के होते तो ये मुश्किल बन गया है। तो खैर ये अपना मैच अगर ये खेलते हैं तो उसमें सबको भी मिला लेते हैं, तमाम जमातों को भी, तो और फिर कहेंगे मुझे गेंद कराओ, मैं बड़ी अच्छी शॉटें मारेंगे। इन्होंने सारों को मिलाया, मिलाने के बाद क्या कहते हैं, इमरान खान को मैच का जुर्माना करवा दिया, उनको बंद करवा दिया। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं मैच जीत जाऊंगा, और भाई क्राउड भी तो है, क्राउड ने कहना है 2 नंबरी कर रहे हैं, ये मैच जैसे फिक्स है ये सारा, तो क्राउड क्या होता है, वो आवाम होती है, तो बड़ा आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वो कि ये अपनी तैयारी कर बैठे हैं, ये बिल्कुल आएंगे ओहदों पे आ जाएंगे, सदर भी बन जाएंगे, वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने तो आना है। अब नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाब मैं जो हूँ आऊँ तो मेरा इस्तकबाल ऐसा हो जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हुआ, जैसे इमरान खान ने ग्राउंड भर ली। तो वो टाइम था 90 की दहाई का, ये है 21वीं सदी। 90 की दहाई की आवाम एजुकेटेड नहीं थी, ये 21वीं सदी की नौजवान नस्ल है, एजुकेटेड है। आज भी इमरान खान साहब जेल की छत पे खड़े हो जाए ना, तो पूरा पाकिस्तान उनको देखने के लिए निकल आएगा। तो इमरान खान की ग्राउंड इतनी बड़ी है पूरा पाकिस्तान। अब नवाज शरीफ साहब की उस पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान वाली ग्राउंड है, यानी कि इतनी सी ग्राउंड है, ये पाकिस्तान है, ये है नवाज शरीफ साहब की ग्राउंड, और इमरान खान की ग्राउंड मुकम्मल है। तो वो सही ख्वाब है, ख्याली है कि आवाम उसे लाइक करेगी। आ जाओ, जिस तरह मैच फिक्स किया है, जैसे इंडिया ने मैच फिक्स कर लिया है अपने इधर क्या कहते हैं एशिया में, कि जी श्रीलंका तुम भी बैठ जाना, बांग्लादेश तुम भी बैठ जाना, ठीक है मैं खुद इधर का चौधरी हूँ, ये मैच फिक्स है, और इंडिया की फाइनल में जाएगा वो खेलेगा। अच्छा अब ईस्ट का भी, वेस्ट का भी मैच फिक्स है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी लूज करेगा, इंग्लैंड भी लूज कर जाएगा, और भी अब उधर किन की दो, उधर के दो उम्मीदवार हैं, एक साउथ अफ्रीका है, एक न्यूजीलैंड है, ठीक है ये चीज़ बड़ी देखी जा रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो मैच जो फाइनल होगा इन टीमों में हो सकता है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, तो ये कैसी बात है। अभी पाकिस्तान का मैं शक करता था कहीं साडा भी मैच फिक्स ना हो, लेकिन आज की जो जहराना बैटिंग थी और उससे मुझे साबित हुआ, क्योंकि आज मैं तस्वीर भी लेके, वो काली मिट्टी पे तो वो पिचे बनाते हैं स्पेशल जब पाकिस्तान के मैच हों, जादुई मामला भी मैं देख रहा हूँ, फूके भी मारी हैं हार्दिक पांड्या, तो फिर मैंने एक पेशेंट को ही की थी, मैं कहा हार्दिक ने तो ये काम कर दिया है, लेकिन 4-5 दिन में आप देखें ये भी आउट होगा, तो इंजर्ड हो गया तो वो निकल गया। तो खैर आइंदा अब 28
कि बाद अब जो पाकिस्तान के मैच होंगे वो बेहतर होंगे, लेकिन साथ ही साथ नवाज शरीफ के मैच भी बेहतर हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान मैच जीता जाएगा इधर नवाज शरीफ साहब जीतते जाएंगे। अब नवाज शरीफ क्या जीतते जाएंगे, अब उनकी बेले के लिए रोती जाएंगी, वो इलेक्शंस करीब आ जाएंगे, अब क्योंकि 28 के बाद 28 अक्टूबर के बाद बेहतरी की तरफ ये मामलात आएंगे, ये चीज़ें हैं। तो आइंदा जो फ्यूचर पे मैं अभी यही कहूँगा, खान साहब अभी नहीं आ रहे, 2-4 महीने के बाद उनको देखा जाएगा आते हुए, लेकिन ये उस वक्त आएंगे जब तक ये अपना इक्तदार संभाल लेंगे नून लीग वाले। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इनके साथ जो मैच खेल रहा होगा, ज़ाहिर है खेलेंगे किसके साथ खेलेंगे, तो पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी भी उसको टफ टाइम देगी, जमात इस्लामी भी, JUF भी टफ टाइम दे सकती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट दूंगा, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है मैं चांद को स्टडी कर रहा हूँ और मैं इसके लिए देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कौन सा ऐसा रेमेडी बताऊँ कि जिससे आपको उसका नेगेटिव असर ना पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।